अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था हाउ टू चेक 3G ईवो डाटा यूजेज। तो आप ईवो का डाटा किस तरह जो है पता कर सकते हैं कि ईवो का डाटा कितना यूज हो चुका है और कितना बाकी रह गया है। तो अब ये न्यू वर्जन है वो वेबसाइट का, तो उसके बारे में मैं आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि किस तरह उसको यूज़ करना है। तो वो पुराना वर्जन था, यहाँ पर आपने सबसे पहले जो एड्रेस लिखना है evo.com.tk। तो ये आपके पास आ जाएगा एक एनवायरनमेंट सा। तो इस पर आपने जो है अगर आपका अकाउंट बना है तो साइन इन कर दें, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पर आपने नेम लिखना है, फादर नेम, CNIC, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और ये सारा कुछ लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो इस ईमेल पर आपका जो है वो पासवर्ड वगैरह चला जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह और ईमेल आईडी पर। तो उसके बाद आपने जो है यूज़र नेम भी आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो है साइन इन में आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर जो है यूज़र नेम लिखना है, अपना यूज़र नेम लिखना है। इसमें आपको जो है वो पहले वाले में ये डिफरेंस है कि इसमें पहले वाले में सिर्फ आप 5 जो है पासवर्ड 5 डिजिट का एंटर कर सकते थे, इसमें जितना मर्जी आप जो है ना एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन इन करें तो ये आपके पास आ जाएगा एनवायरनमेंट। तो इसमें जनाब आपने करना ये है कि ये आपका जो है वो ओपन हो गया अकाउंट। तो इसमें ये बता रहा है कि डैशबोर्ड, ठीक है, इसमें माई PTCL सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज हैं आपके अकाउंट में जो आप जो है जो ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें अगर आपने पूछना है कि हमारी ईवो का डाटा कितना यूज़ हो चुका है और कितना बाकी रह गया, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूजेज इंक्वायरी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक न्यू एनवायरनमेंट आ जाएगा, पेज ओपन जो हो जाएगा। सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है इसलिए। तो इसमें आपके पास ये ओपन हो गया न्यू पेज, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है होम ईवो आर चार्ज यूजेज, ईवो चार्ज, उसमें शायद 4G नहीं था, ठीक है। तो इसमें 4G यूजेज, 4G वो भी है और दूसरी भी है, तो इसमें आप जो है क्लिक करें ईवो और 4G यूजेज। तो यहाँ पर आपने अपनी ईवो का MDN नंबर देना है, ठीक है, MDN नंबर देंगे तो उसके बाद आपने जो है एंटर स्टार्ट डेट, तो ये छोटा सा ऑप्शन है इस पर कैलेंडर है, इस पर जो है आपने देना है कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक हमें जो है अपनी ईवो का डाटा चाहिए, कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपने, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई डेट 3 लिख देता हूँ, एंड डेट आज के दिन तक, टुडे, ठीक है। तो सर्च कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है उसने हमारी ईवो का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया कि डिवाइस टाइप ईवो और विंगल, ठीक है। तो ये ईवो और विंगल के लिए भी है और दूसरी जो पाकिस्तान में अगर हैं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली ईवोज हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये पैकेज HEC 30 GB वाला पैकेज लगा हुआ है, करंट बैलेंस इसमें ये है, रिचार्ज डेट, ये इस डेट को जो है वो रिचार्ज किया हुआ था, रिचार्ज कितने का करवाया हुआ था ये बताया हुआ है, ठीक है, नेम, ईमेल और ये सारा कुछ वो बताया हुआ है।
उसके अलावा जो है ये इसमें जो है आपका हर एक एक दिन का और एक एक टाइम का ये बता रहा है कि किस टाइम को कितना जो है वो आपका डाटा यूज हुआ है, यानी कि 22/6/2016 को ये बता रहा है कि 25.61 MB जो है ना वो यूज हो चुका है, 6:09 और ये कुछ बता रहा है, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट इस टाइम हुआ था और सेशन एंड इस टाइम हो रहा है, और नीचे जो है वो बता रहा है हर दिन का बता रहा है 6/20/2016। इसके अलावा जो है आपने देखना है, मैंने 3 तारीख स्टार्टिंग डेट 3 तारीख दी थी, 3 तारीख से लेकर आज तक, तो हम देखते हैं नीचे 3 तारीख से लेकर, तो ये बता रहा है कि 3 तारीख से लेकर ऊपर तक ये टोटल जो है इसने करके कि इतने MB जो है ना टोटल यूज हो चुके हैं हमारी ईगो के, 23,695.448। तो इतने MB हमारे यूज हो चुके हैं, तो इसको अगर GB में आपने कन्वर्ट करना है तो इसको आप डिवाइड कर लें 1024 पर, तो 1024 पर डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपके पास जो है वो आ जाएगा GB में डाटा कि कितना GB में डाटा हमारी ईगो का यूज हो चुका है। तो ये 23,000 है तो ये तकरीबन 23 GB पॉइंट कुछ जो है ना कुछ MB ये जो है ना यूज हो चुका है अपनी ईगो का, ठीक है। तो इस तरह जो है आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अपनी ईगो का किस तरह आपने जो है वो करना है फाइंड आउट डाटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है ego.com.bk पर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, तो उसमें आप जो है ना पता चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है, होम पर क्लिक करें तो आप जो है वो इसमें और भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर जो है वो आप ऑनलाइन आप जो है वो कर सकते हैं इसको रिचार्ज, ठीक है, अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, व्यू और अपडेट प्रोफाइल ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इधर नेम और ये सारा कुछ लिख लें, ठीक है। उसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तरीका था हमारी आप के किस तरह आप जो है ईगो का डाटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना ईगो का डाटा यूज़ हो चुका है। तो आप मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो ये लिंक है, इस लिंक पर आप जाकर मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।